नेक्स्ट है, हमने एक सर्कुलर लूप किया, एक सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप के एक्सिस के ऊपर हमने बी निकाला, एक सर्कुलर लूप के एक्सिस के ऊपर बी का ये फॉर्मूला है, ये हमने किया, ठीक है। तो ये हमने किया, अगर हम बी की वैल्यू एक्सिस के ऊपर ना निकालते हुए सेंटर पे निकाल लें, तो लूप के सेंटर के ऊपर अगर आपको बी निकालना है तो छोटे आर को क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। तो जैसे यहां पे जीरो पुट करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। तो यानी कि अगर एक सर्कुलर लूप है, अगर एक सर्कुलर लूप है जिसके ऊपर कितना करंट है, आई करंट है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, इसके सेंटर के ऊपर बी का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। और अगर ये लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए जाएं, एक टर्न की जगह 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न 5 टर्न n टर्न्स, तो रिजल्ट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप के ऊपर बी की वैल्यू कहाँ निकालनी है, ऑन द सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर के ऊपर बी का फॉर्मूला प्लीज नोट करें। तो सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर ये बी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल के सेंटर पे बी का फॉर्मूला नोट करें, ठीक। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर बी का फॉर्मूला क्लियर है।